दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने नंबर 5 के बारे में बताया था, आज मैं नंबर 6 के बारे में बताऊंगा। यानी दोज पीपल हु आर बोर्न ऑन 6, 15, 24 ऑफ एनी मंथ, दे आर सेड टू बी नंबर 6। जो लोग 6 को पैदा होते हैं, इनके जो नाम होता है उसका पहला अल्फ़ाबेट क्या नहीं होना चाहिए वो मैं आपको पहले बताऊंगा। जैसे 6 का एंट्री नंबर होता है 1, 6 का एंट्री नंबर होता है 6, 6 का एंट्री नंबर होता है 7, 6 का एंट्री नंबर होता है 2। तो ये नंबर से शुरुआत नहीं होनी चाहिए। ए नहीं होना चाहिए, आई नहीं होना चाहिए, जे नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, तो ये अल्फ़ाबेट नहीं होने चाहिए। इसी तरीके से 2 नंबर भी इसका एंट्री होता है, तो 2 का बी होता है, के होता है, आर होता है, ये भी नहीं होने चाहिए। इसी तरीके 6 का 6 भी एंट्री है, तो यू वी डब्ल्यू भी नहीं होना चाहिए। 6 का 7 भी एंट्री होता है, ओ जेड भी नहीं होना चाहिए। तो 6 वाले जो होते हैं, इनका पहला अल्फ़ाबेट क्या होना चाहिए? दैट शुड बी फ्रेंडली टू नंबर 6। और फ्रेंडली टू नंबर 6 कौन सा होता है? 3 होता है। 3 का मतलब सी हो गया, एल हो गया, एस, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। वी कैन बिगिन द पीपल फर्स्ट अल्फ़ाबेट विद 3 नंबर, बिकॉज 3 इज़ फ्रेंडली टू 6। इनका जो है 3 के अलावा 8 भी फ्रेंडली नंबर होता है, 5 भी फ्रेंडली नंबर होता है, वो भी रखे जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नंबर 3 है, जो कि स्टार्टिंग में रखा जा सकता है। तो ये एक हम प्रिकॉशन लेते हैं, तो उससे हमारे काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं और आने वाली समस्याएं कम हो जाती हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।